हेलो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ मैं सोया चाप रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो ये लिए मैंने 4 प्याज, 4 टमाटर और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक, 4 हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। तो इनको तो हम पहले ही पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे इनको। उसके बाद इनको हम काट के फिर इसका मसाला बनाएंगे, फिर बाद में इसका पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ये तैयार है। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम जीरा, 1 चम्मच डालेंगे जीरा। जीरा भुन गया, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हींग, 1/2 चम्मच के करीब। अब इसमें डालेंगे मैं प्याज जो हमने काटा था। प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए, अब इसमें डालूंगे अदरक और जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डालूंगे। 1 मिनट तक इसमें इसको भूनेंगे ऑयल में, ताकि इसमें जो कच्चा फ्लेवर है वो सारा हट जाए। छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़ी चम्मच और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच, मुझे कम लग रहा है। इसको पकने देंगे, जब तक हमारे
हमारे टमाटर अच्छे से गल ना जाए। चेक कर लेते हैं कि हमारे टमाटर पके कि नहीं पके। थोड़े से कसाए हुए हैं, इनको फिर से ढककर पकाएंगे और गैस को कम कर देंगे। फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारे टमाटर पक गए हैं। हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब इसको ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसको पीस लेंगे। चेक कर लेते हैं, मसाला ठंडा हो गया। इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी मिलाएंगे ताकि इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए पेस्ट तैयार है। तेल गरम करने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया। अब इसको खूब गर्म होने देंगे, उसके बाद हम अपने चांपे इसमें तलेंगे, फ्राई करेंगे। चांपों को फ्राई कर लेते हैं। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे ताकि अच्छे से अंदर तक भी पक जाए चांपे। चांपों को जितनी अच्छे से हम पकाएंगे, उनकी जो अंदर की जो लेयर है वो उसी तरह अच्छे से ही अलग होंगी। ये देखिए थोड़े थोड़े उनकी लेयर खुलने भी लगी है। ये देखिए अभी हाफ फ्राई हुए हैं, इनके लेयर्स खुलने लग गई हैं अच्छे से। ये देखिए हमारे चांपे जो हैं वो अच्छे से ब्राउन हो गई हैं। अब इनको निकाल लेंगे हम। ऐसे तल लेंगे। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये पक गए, अब इनको भी निकाल देते हैं। Thank you.
चार से पांच लौंग है, चार से पांच काली मिर्च है, तीन हरी इलायची है और एक बड़ी इलायची है। जिस तेल में हमने चांपे फ्राई करी थी उसी में डाल देंगे, उसी ऑयल में। अब डालेंगे थोड़ा इसमें जो ये कसूरी मेथी है, इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था। उसके बाद इसमें चावल डालेंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी जिस तरह बन के तैयार हुई है। ये देखिए उबाल आ गया, अब इसमें डालेंगे हम चावल। सॉफ्ट होने तक इसमें पकने देंगे। जो हमारे चांपे सारी ग्रेवी अच्छे से सोख ले, अंदर तक सारा मसाला सारा टेस्ट जाए, तब तक हम इन्हें पकाएंगे। चेक कर लेते हैं हम अपने चांपे को कि तैयार हुई कि नहीं हुई, सॉफ्ट हो गई कि नहीं हुई है। ये देखिए उनके अंदर से भी आ रहा है, अभी आपको दिखाती हूँ। एकदम तैयार हो गई हमारी चांपे। चांपों ने ग्रेवी पूरी अच्छे से सोख ली, ये देखिए एकदम तैयार है। ये देखिए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।